वाला मॉडल FZ, इसकी कॉस्ट है 60,000 और ये सिर्फ 1,500 किलोमीटर चली हुई है। 45,000 की। कौन सा मॉडल है ये? 2012 है, 45 की है ये। ये पल्सर 220 48,000 की है, 2013 मॉडल। तो तुम ऐसे कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बैंडाना मास्क क्यों लगा रखा है। भाई तुम्हारा भाई राइडर हो रहा है पूरा पूरा, और जो भी राइडर्स और जो भी बाइक लवर्स ये वीडियो देख रहे हो ना, इसको लास्ट तक देखना क्योंकि बीच में बहुत फन होने वाला है। ओके, स्टे ट्यून्ड ब्रो। ये मेरे पीछे है डंडेवाला मेट्रो स्टेशन, और बहुत लोग जो है मेट्रो से ही आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग दूर दूर से भी आते हैं ना, वो भी मेट्रो से ही आते हैं ज़्यादातर। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो भाई गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। ये जो है ना, ये बहुत बेकार रोड है रात के वक्त, अभी तो तब भी बहुत ट्रैफिक है। रात को जब ये खाली होती है ना, लोग बहुत तेज भगाते हैं, मतलब पूरी स्पीड, मतलब 100-150 तो ऐसे ही भगाते हैं, इस पे तो एक्सीडेंट भी होंगे। ये एक और सीन हो रखा है इधर। यहाँ से सीधा जाना है सीधा, और इसके सामने है वो, अगर दिख रहा होगा हनुमान मंदिर उधर, उसके सामने से यहाँ जाना है। तो गाइस अभी मैं मैत्री मोटर्स में आया हुआ हूँ, और यहाँ पे इनके पास बाइक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये जो बाहर बाइक्स खड़ी हैं, ये तो बस शो के लिए, अभी भैया के पास और भी इसका बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसका प्राइस कितना भी है? इसका कितना प्राइस है भैया? इसका कितना प्राइस है? ये 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल है ये? हाँ जी। ओके, और कितना किलोमीटर चली हुई है ये? आपकी 7000 किलोमीटर चली है। और प्राइस कितना होगा इसका? प्राइस इज इन एक्सीलेंट कंडीशन। और प्राइस? वी आर डिमांडिंग 95,000 फॉर दिस बाइक। 95,000 इसकी कॉस्ट है। ओके, और ये पल्सर 200 NS? पल्सर 200 NS 2014 मॉडल है। बाइक इज जस्ट 7000 किलोमीटर ड्रिवन, एंड वी आर चार्जिंग द 50,000 फॉर दिस बाइक। या 50,000? यस। सो इज इट नेगोशिएबल? या तब करूंगा, आई विल नेगोशिएट सम ऑन द स्पॉट। एंड व्हाट अबाउट दैट एवेंजर? दिस वन इज 2015 मॉडल। 2015 मॉडल, या। ओके, और कितने किलोमीटर? टोटली ऑसम, एंड इट्स अ सील पैक बाइक। और तीनों की कॉस्ट क्या होगी भैया उधर से स्टार्ट करते हुए? 2015 मॉडल। How much? This is 2 months old bike. 2 months old. And this KTM RC 200 we haven't stopped. This is only 2 months old bike, and and we are charging 1,55,000 for this new, totally brand new bike. Brand new bike. Yeah, it's almost brand new. सबका Delhi registration है. Yeah, all are Delhi registration bike. 2017 model है Fab की, and एक महीना भी नहीं हुआ अभी इसमें, एक महीना भी नहीं। और कितनी कॉस्ट है इसकी? 155,000 वाला मॉडल है, टॉप मॉडल है ये। 177,000। गाड़ी की भी अलग
700 किलोमीटर के लिए 2400 कैसे होगा? इसका प्राइस कितना होगा भैया? 2015 मॉडल, नवंबर 2015 मॉडल, एचडीआर चार्जिंग. Our demand is 2,15,000 for this bike and we'll negotiate on the spot. 2,15,000? Yeah. It's just 2,000 kilometers driven. 2,000 kilometers? Yes. Want to rent bikes? You can come to our shop. We have a good huge variety of Royal Enfield bikes, KTM bikes we have in stock, good, the very good ones. Like you can, new one, you can come to my shop and get the around new one, almost new bikes. और ये भैया की शॉप है पीछे मैत्री मोटर्स. और भैया आपकी शॉप है मैत्री मोटर्स. और भैया तो ऑनर ऑफ दिस शॉप. और बाइक का आपका ऐसा कलेक्शन है, रेंज कहाँ से कहाँ तक की आपके पास होगी? अराउंड द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 एंड इट गोज टू अराउंड 4,50,000. You will get Harley. Okay, yeah, we have Harley Davidson stock. Okay. Street we have in stock 2015 model. You will get it for 3,60,000. And Harley Davidson Super Low you can get for around 4,10,000. 2014 model we have in stock. ओके गाइस, मैं अभी तुम लोगों को ये जो शॉप है इसका एड्रेस भी दिखा दूंगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भैया का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा. यू कैन टेक अ लुक ऑफ आवर रॉयल एनफील्ड बाइक्स आल्सो. ओके, चलो भैया की बाइक देख के आते हैं. माय बाइक, ये आपकी बाइक 16 मॉडल हमारी है, सर्विस हो रही है, अभी क्लीनिंग करा रहा हूं. 2016 मॉडल है ये? 2016 मॉडल. और कितनी ड्रिवन है भैया ये? हाँ, ये कितनी ड्रिवन है, कितनी चली हुई है? 10,000 किलोमीटर चली है. और कॉस्ट क्या है इसकी? इसकी कॉस्ट 1,20,000 है. 1,20,000 की कॉस्ट है. One of my store, we keep this bikes in stock. We have okay, ये जो बाइक हैं यहाँ ही यहाँ से उधर तक ये अभी आपकी है? Shop के अंदर है and we have some bikes inside this. Okay, अंदर भी है. Yeah. इनकी इनकी कॉस्ट बता दीजिए भैया आप एक बार शुरू से. 2015 मॉडल है, ये 14 मॉडल है. 14 मॉडल है. These are not ready to serve bikes. We have to do some little works, like we have to put the screw to this bike and we have to clean it and minor adjustment karni padengi. Minor adjustments are needed. Inki cost bata dijiye. We just purchased these bikes. Okay, iski cost kya bhi hai? Iski cost 55,000 hai. Ye 2015 model hai, AS150. Aur iski cost? Just 6,000 kilometers chala hai. Okay, 6,000 kilometers. Aur uski cost bhi hai? This is for 45,000, 2014 model. Okay, aur uski? This is 2015 model. And that one? 55. This is 2016 model. Okay, okay. Just 5,000 kilometers chali hai ye bike. और ये वाली बाइक भी आपकी है भैया? इनकी ये कितनी ड्रिवन है और क्या कॉस्ट और क्या मॉडल है इन सब? ये 2015 है, ये भी 2015 है, ये भी 2015 है, ये 2015 है, वो 2014 है, KTM 2016 है. और कॉस्ट क्या उधर से इधर बता दो. ये 90,000 है, 2014 मॉडल है, ये 90,000 की है. ओके, ये हमें अभी क्लीनिंग पॉलिशिंग करानी है. ये 2016 मॉडल है, ये 1,15,000 की है. ओके, ये अभी ये बाइक हमारी जा रही है रेंट पे, ये फॉर वन मंथ. ओके, आप रेंट पे भी देते हो बाइक्स? या हम रेंट पे भी देते हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक्स पे हम रेंट पे देते हैं. फॉरनर्स आते हैं हमारे पास पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, लाइक ये आयरलैंड के कस्टमर को जा रही है हमारी, आयरलैंड से आए बंदे उनको जा रही है आयरलैंड के, एंड वो एक महीने के लिए रेंट कर रहे हैं. और इसका रेंट कितना होगा भैया? हम उससे चार्ज कर रहे हैं 18,000 एक मंथ के, एक महीने के लिए 18,000 रेंट कर रहे हैं. ये है स्टैंडर्ड 500. स्टैंडर्ड 500. और ये शायद क्रूजिंग पे जा रही होगी जो इसमें मतलब ऐसे ऐसी मॉडिफिकेशन हो रखी है. हाँ, ये कैरियर है, ये इसके ऊपर वो लगेज का सामान रखेंगे, टाइटली बंदी रोक. ओके ओके ओके, और एक बार इन तीनों की कॉस्ट और बता दो भैया. ये वाली है 85,000 की. 85 थंडरबर्ड 85,000 की है? या 2015 मॉडल. ओके,
एंड दिस फॉर 11 लाख 1 लाख मनी फॉर 1 लाख ओनली क्लीनिंग होनी है. बाइक इज टोटली ऑसम, बाइक बहुत अच्छी क्लीन साफ बाइक है, बहुत अच्छी एक्स्ट्रा क्लीन इंजन है. वॉशिंग जस्ट चाहिए उसको. हेलो भैया, ये हमारी सबसे पुरानी शॉप है मैत्री मोटर्स, जो कि आपने बाहर मेन रोड पे जो बड़ा हमारा ऑफिस देखा था उसी का ये पार्ट है. ये पुरानी शॉप है हमारी मैत्री मोटर्स, और ये सारी बाइक्स टोटली हमारी हैं. ये सारी बाइक्स आती हैं भैया? सारी बाइक्स हमारी हैं, टोटल बाइक्स हमारी हैं. और ये यहाँ पे सारी गाड़ियाँ हमारी तैयार होती हैं, रेडी करते हैं हम लोग यहाँ पे. ये बाइक्स रेडी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, जिनमें वायरिंग का जिसमें छोटे मोटे काम है गाड़ी के, पूरे पे रेडी कर रहे हैं बाइक को. ये 2016 मॉडल गाड़ी है, इसको अभी क्लीनिंग वॉशिंग कर रहे हैं. ओके, क्लीनिंग वॉशिंग करनी है इसकी बस. वैसे बाइक की कंडीशन सर्विस होगी, क्लीनिंग वॉशिंग होगी, फिर इसको हम लोग पूरा रेडी करके पॉलिशिंग करके बाहर लगाएंगे सेल के लिए. बाइक की कंडीशन तो ओके है ना भैया? 2016 मॉडल है, जस्ट 5000 चली हुई है ये बाइक. ओनली 5000? यस. और इसकी कॉस्ट क्या होगी भैया? ये हम लोग 95000 की डिमांड है. 95000 इसकी डिमांड है. 2016 मॉडल है ये बाइक. और कितने किलो? अभी जैसी ये अभी जिस कंडीशन में दिख रही है टोटली डिफरेंट होगी इसकी कंडीशन, जब ये बाइक बिल्कुल तैयार हो जाएगी. पॉलिशिंग होगी, क्लीनिंग होगी, रबिंग होगी, इसको पूरा टोटली ब्रांड न्यू बना दिया जाएगा नया. इसकी कॉस्ट क्या है भैया? ये 2014 मॉडल है ZMR. ये है आपको, ये आपको मिलेगी 50000 की. 50000 की? और कितने किलोमीटर? 2014 मॉडल है, 9000 चली हुई है ये बाइक. ओके. और ये 2013 मॉडल है, 20000 चली हुई है बाइक. और इसकी कॉस्ट जो है ये आपकी है 45000. ये है 2016 मॉडल. इसकी कॉस्ट क्या होगी? आपकी गाड़ी चली हुई है अराउंड 8000. 8000? हाँ जी. और ये 42 हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, 2016 मॉडल पैशन प्रो. ओके ओके ओके. और उसकी? ये है 2014 मॉडल, इसके हम 28000 डिमांड कर रहे हैं. ये 2013 मॉडल है, ये हरियाणा का नंबर है बाइक. अच्छा, बाइक का हरियाणा का नंबर है. एंड 35000 हम इसकी डिमांड कर रहे हैं. और कितने किलोमीटर डन है ये? 29000. और एग्जैक्ट हमारी ये चली हुई है आपकी 15000 किलोमीटर. ये आपकी 2014 मॉडल बाइक. और कॉस्ट क्या भी है इसकी? कॉस्ट है 48000. और उसकी भी सेम ही होगी? 2016 मॉडल. ओके, एक मॉडल ऊपर है ये. हाँ, ये 7000 चली हुई है. ये 58000 में है? हाँ जी, 2016 मॉडल है, ये 58000 की है. और ये इन सब की क्या? 2014 मॉडल है डिस्कवर. ये भी 8000 किलोमीटर चली हुई है बाइक. आप देख सकते हो टायर दोनों गाड़ी के बिल्कुल नए हैं. ओके, टायर भी नए हैं इसके? हाँ, गाड़ी के बिल्कुल टायर नए हैं, सिर्फ 8000 किलोमीटर चली है. इसकी डिमांड हम 38000 कर रहे हैं, अपडेट 2013 मॉडल. इसकी क्या कॉस्ट अभी है? ये है आपकी 2013 मॉडल, 36000. ओके, सो ये मीडियम रेंज की बाइक है? इसकी बाइक है सब, ये अराउंड 25-30000 की बाइक है. 25-30 के बीच में? 30 की रेंज में है. 26-28 अराउंड इसी रेंज में है बाइक. और सबका प्राइस नेगोशिएबल है? मैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं हम. ओके भैया. ओके गाइस, तो मैं अभी भैया की शॉप पे गया था. भैया के पास बाइक का बहुत अच्छा कलेक्शन है, मतलब लो बजट जिसका है उसके लिए भी कलेक्शन है, उसका मीडियम बजट है उसके लिए भी कलेक्शन है, और भैया के पास KTM और Yosung इनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन है. और भैया आप कुछ कहना चाहोगे? अगर आप एक बार विज़िट करोगे, आप बाइक देखोगे हमारी, तो कभी भी आप दूसरी शॉप पर नहीं जाओगे. आई गारंटी यू कि बाइक्स की क्वालिटी, बाइक्स वेरी लेस ड्रिवन बाइक्स हमारे पास होती हैं, कम चली हुई बाइक्स. जैसे कि आप देखा आपने, जैसे कि आपने वीडियो देखी, आप देखिए बाइक्स और विजिट कीजिए हमारी शॉप पे, देन यू विल गेट टू नो हाउ गुड माय बाइक्स आर. ओके गाइस, तो ये है भैया का कार्ड, और ये जो नंबर है इसी से भैया को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, भैया को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो इससे. और जैसा कि तुम लोगों ने देखा, भैया के पास बाइक्स का तो बहुत अच्छा कलेक्शन है. भाई इस मार्केट में ना कस्टमर्स हर जगह से आते हैं, यूपी से, मतलब गाज़ियाबाद, नोएडा और हरियाणा से भी, गुड़गांव, फरीदाबाद,
बहुत आते हैं, क्योंकि पता है एक करोल बाग में ये एक शॉप है सेंटर में, तो इसलिए वहाँ पे सारे आते हैं। और इसके अलावा औरतों को भी मिलती है, नहीं चाहे शास्त्री नगर ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रेंटिंग के लिए भी मिल जाती है बाइक, रेंटिंग के लिए भी इधर बाइक मिल जाती है, और कहीं नहीं मिलती। और जब मई जून का महीना आता है उस वक्त तो यहाँ पे भीड़ लगी होती है बहुत, क्योंकि तब लोग लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं, लोग लॉन्ग लॉन्ग टूर पे जाते हैं और बहुत लोग आते हैं। वैसे मैं उसका भी एक ब्लॉग शूट करके तुम लोगों को दिखाऊंगा इधर। भाई ये एंडेवर देखो, ये टायर्स क्या लग रहे हैं यार, ब्रावो 80 मैक्सिस, मैक्सिस है भाई ऑफ रोडिंग टायर, कतली तो लगेंगे ही भाई। क्या लग रही है गाड़ी है, guys, thanks for watching my video. Don't forget to give me a thumbs up and don't forget to share your views as well in the comment section below. And most important of all, don't forget to subscribe. क्योंकि भाई अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी subscribe करो, क्योंकि आगे का जो fun है वो तुम लोग miss कर दोगे। और जैसा मैं कह रहा हूँ यार, हर subscriber के साथ ऐसा लगता है कि मेरी family में एक नया member add हो गया, तो तुम मेरी family तो हो यार, ठीक है। और एक बात और कहनी है, आज वैसे फ़ोन की बैटरी खत्म होने वाली है, कितनी बची है, 8% बची है। वैसे मैं एक यहाँ पे ब्लॉग और शूट करने वाला था, क्योंकि तुम में से बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कार, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कार ऑडियो सिस्टम के ऊपर यार एक ब्लॉग बना, तो उसी के लिए भी आया था मैं और इसके लिए भी आया था। वो वैसे पास नहीं आया था, दूर नहीं है, थोड़ा सा ही आगे जाके है, तो बहुत जल्द वो भी आने वाला है। और सब्सक्राइब कर लो, मिस नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं करोगे तो मिस कर दोगे। बस ऑल योर्स एंड टिल देन सिंगल बी बैक, बाय बाय।